उसको पता चले। सारे पैसे मुझे दे, मैं तुझे गिन के देता हूँ। तू तो है अनपढ़ गवार, तू कहीं स्कूल वालों को ज्यादा पैसे पकड़ा के आ गई तो तुझे कौन सा पता चलता है, वो तो रख ही लेंगे ना सारे पैसे। आपने जेब में क्यों डाल दिए जी, पैसे गिनो। तू भी है पागल है, अब ये बर्डन वाला काम है मैं क्यों करूं? इतना बर्डन वाला काम मुझे होता है क्या? पैसे तो ठेके वाले अपने आप गिन लेंगे, समझी? देखो जी, आप मुझे ना ये पैसे वापस दे दीजिए। मैंने मोनू के स्कूल में मोनू की फीस भरनी है, अगर मैंने फीस ना भरी ना तो स्कूल वाले मोनू का नाम काट देंगे और मोनू का भविष्य बर्बाद हो जाएगा जी। तुझे मेरे भविष्य की चिंता नहीं है, पति परमेश्वर के भविष्य की कदर ही नहीं है। तुझे पता नहीं मेरी मार्केट में कितनी इज्जत है। अगर मैंने ठेके वालों को रुपए टाइम पे नहीं दिए तो ठेके वाले मेरा भविष्य खराब कर देंगे। और तुझे बताऊं, वैसे मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती। 5,000 रुपए कमाता हूँ, 5,000 रुपए, 5,000 मेरी तनख्वाह है। माना कि 10 दिन से मैं घर पे बैठा हूँ, तो क्या हुआ? पर आप घर में तो 1 रुपया भी नहीं देते जी। ठेके वाले को तेरा बाप देते है रुपए, 4,000 रुपए ठेके वाले को देने पड़ते हैं हर महीने। किस्त बंधी हुई है मेरी और 1,000 रुपए मुझे नमकीन वाले को देने पड़ते हैं, समझी तुम? मेरा खर्चा ही बहुत मुश्किल से निकलता है, घर पे मैं क्या ला के दूं तुझे? बताए पैसे कहाँ से लाए तू? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझसे ये पैसे कहाँ से लाई है तू? साली कमी, मेरे पास के तो तू जवाब नहीं दे रही है। मैं गुलाबो, तू मुझे रोज खाना देती है, वो कहाँ से लाती है तू? आपके लिए तो जी मैं हर रोज पड़ोस से खाना मांग के लेके आती थी। साली कुतिया, कुतिया कमीनी कहेगी, मुझे पड़ोसियों का मांगा हुआ खाना खिलाती है तू? धिक्कार मुझ पे। चल वो छोड़, तू मुझे ये बता, इन 2,000 रुपए के अलावा और रुपए का है? किडनी बेचने पे सिर्फ इतने रुपए थोड़े मिलते हैं जी। वो मुझे हर महीने 2,000 रुपए देंगे पूरे 5 साल तक, बाकी पैसे मेरे पास नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, मेरे लिए पानी और गिलास लेके आ, जा खड़ी खड़ी क्या देख रही है, निकल। हेलो जी, एक सेकंड रुक। आप बदतमीजी करती है, क्रॉस क्वेश्चन करती है लेपी, आप तुझे
क्यों गुलाबो, आया ना मजा? अब तू ऐसे कर, मैं ना बहुत भूखा हो चुका हूँ, पड़ोस से मेरे लिए खाना लेके आ जा फटाफट। मुझसे नहीं लाया जाता कोई खाना वाना, खुद जाके लेके आओ। ए साली कुतिया, अपने पति परमेश्वर को मना करते रुक, तेरा तो डोरा मैं करता हूँ। गुलाबो मुझे माफ कर दे। मुझे जबरदस्ती दारू पिलाई, मुझे नशे में किया, तूने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है, नरक। ए गुलाबो प्लीज मेरी तू बात सुन, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन प्लीज। मैं ना सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। मुझे तू मार मत देख, मैं ना मुर्गा बनने को तैयार हूँ। तो हरामी साले चल बन मुर्गा। प्रिय दर्शकों, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी तरह तरह के नशों की गिरफ्त में आती जा रही है, और ये नशे हैं शराब, अफीम, स्मैक, बुक्की, चिट्टा, नशे के इंजेक्शन, इनकी गिरफ्त में पूरी तरह युवा पीढ़ी आ चुकी है। इस प्रकार के नशे शरीर को खोखला तो करते ही हैं, साथ ही साथ घर और समाज को भी खोखला करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के नशे न करें।